ये है स्विट्जरलैंड के दावोस का प्रोमिनाड और इस वक्त हम हैं टाटा कंसल्टेंसी के स्टॉल पे। दुनिया में इस वक्त कोई भी जगह इतनी महंगी नहीं जितनी की दावोस है और यहाँ पे अलग अलग जगहों पर भारत की कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। इस वक्त हमारे साथ वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु हैं। प्रभु जी स्वागत है आपका, आप आइए थोड़ा वॉक करते हैं स्विट्जरलैंड में दावोस के प्रोमिनाड पे। और सब ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ दावोस आए, तमाम मीटिंग्स हुई, ग्लोबल सीईओ से मुलाकातें हुई, इससे निकला क्या है? क्या हिंदुस्तान में और निवेश आएगा? कितनी नौकरियां और लोगों को मिलेंगी? देखिए, ये निवेश का सिलसिला ऐसे होता है कि यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि अलग अलग देशों के लोग आते हैं, अलग अलग लोगों के लिए निवेश करने की सुविधा मिलने के लिए लोग अपने अपने कॉम्पीट भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आके लोगों को समझाना कि क्यों और देशों से लड़कर ये इस देश में आके आपको निवेश क्यों करना है, व्हाई दिस इज द प्रीफर्ड डेस्टिनेशन, ये कहने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश पूरे विश्व को दिया और यहाँ की फर्स्ट प्लेनरी में दिया, जो बहुत ही अपने आप में अहम बात है, उसके कारण आज यहाँ पर एक माहौल बना है। ये सब लोग ये सोचते हैं कि क्या इस तरह की हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, इस बात को ध्यान में रखते हुए देश में इतनी बातें हो रही है, विश्व को उसकी कितनी बड़ी मात्रा में उसका लाभ होने वाला है, तो यहाँ निवेश करने के लिए लोग काफी तैयार हो गए। क्योंकि निवेश की स्थिति ऐसी होती है, पहले मन बनाना पड़ता है, बाद में धन आता है, मन पहले धन बाद। तो मन बनाने के लिए जो स्थिति है, वो मन बनाने की स्थिति के लिए यहाँ के आने वाले सभी लोगों ने जो योगदान दिया है यहाँ आके करने का, इसके लिए मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश में आने वाले दिनों में होगा। निवेश होगा, नौकरियां बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, तो इसकी स्थिति यहाँ से शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत बड़े मात्रा में जो काम किया है, मैं मानता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक है और उसका लाभ आने वाले काफी दिन तक, सालों तक हमें मिलेगा। सुरेश प्रभु जी, एक जो बड़ा चैलेंज रहा है कि हिंदुस्तानी कंपनियां जो हैं वो अफ्रीका में जाके, यूरोप में जाके बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं, पैसा नहीं लगा रही, अभी भी एफडीआई तो आ रहा है, लेकिन इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे खुद के उद्योगपतियों का, वो आपके सामने जो बोले पैसा नहीं लगा रही, ये खबर है, आपको लगता है कि वो स्थिति आने वाले महीनों में बदलेगी? देखिए, इसमें एक आपने सही कहा, इसकी वजह ये थी कि हमारे पिछले कुछ सालों में, एक 10 साल में काफी बड़े मात्रा में निवेश किया गया जो पूरी मात्रा में यूटिलाइज नहीं हुआ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम था। आज हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, 65% एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, अभी कुछ सेक्टर में तो 90% तक पहुंच गया है। इसका मतलब है अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा हुआ, मांग बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि लोग निवेश करेंगे। तो निवेश इसलिए नहीं हो रहा था कि जो पिछले लेगेसी इश्यूज थे, पिछले सरकार के समय जिस तरह से बैंकों ने लोन दिया था, जिसके कारण कंपनियां जिस तरह से तकलीफ में आई थी, वो सब स्थिति धीरे धीरे अभी सुधर रही है और डिमांड बढ़ने की वजह से, डिमांड बढ़ रहा है इसके लिए ऑब्वियस है कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो आने वाले दिनों में अगले डिमांड को कैटर करने के लिए, फ्यूचर डिमांड को पूरी मात्रा में वो खपत करने के लिए आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे कि निवेश जरूर बढ़ेगा, उसकी स्थिति शुरू हो गई। अभी अभी मैं हमारी चंदा कोचर, जो हमारी आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख है, मुखिया है, उनको पूछ रहा था, उन्होंने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर का डिमांड बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी सुधर रहा है, तो ये सभी का नतीजा एक होगा कि आने वाले दिनों में आप लोग हम देख पाएंगे कि बड़ी मात्रा में निवेश आने वाले दिनों में भी देश में भी होगा। मंत्री जी, एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए पैसा लगाइए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पद्मावती फिल्म के खिलाफ कुछ ग्रुप्स ने बच्चों को अटैक कर दिया, वो तस्वीरें, मैं भी जब लाउंज में बैठा था तो किसी ने मुझसे पूछा ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, बच्चों पर अटैक हो गया, अब इन्वेस्टर्स इस तरह की तस्वीरें देख के तो परेशान हो जाते हैं। देखिए, एक तो ये इशू को हमको पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में कहीं पे छोटी मोटी घटनाएं होती है तो उसका एक डिसप्रोपोर्शनेटली उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार ये चाहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही माने में कह रहे कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, कानून के तहत काम करिए, यदि आपको किसी को कठिन समस्या है तो कोर्ट है, कोई किसी समस्या है तो हमारे पास संविधान में प्रावधान है, हमारे पास में पार्लियामेंट है, तो लोक जनतंत्र के द्वारा इस समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है हमें सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश का विकास में ही सभी का हित जुड़ा हुआ है, यदि देश का विकास होगा तो कारोबार बढ़ेगा, जॉब मिलेंगे,
लोगों की गरीबी दूर होगी, ये करने के लिए सबको ये साथ में काम करने की जरूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे कि कानून को हाथ में नहीं लीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए और आप लोग सब उसको सहयोग कीजिए। मैं मानता हूँ इसी भावना से यदि हम सब लोग काम करते तो आने वाले दिनों में ये समस्या भी नहीं रहेगी। तो आप मानते हैं कि इस तरह की चीज से इंडिया की इमेज पे असर पड़ सकता है और चाहते हैं कि सब स्टेट गवर्नमेंट्स फॉरन लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, वरना दावोस जैसी जगह पे और दुनिया भर में नेगेटिव मैसेज जाता है। नहीं देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो देश में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही है, वो अच्छी चीजों को यदि हम हाईलाइट करेंगे तो ऐसी चीजें भी नहीं रहेगी। लेकिन छोटी चीज भी न हो इसके लिए हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि कानून के द्वारा, कानून के आधार पर, कानूनी एजेंसीज के द्वारा ही किसी भी मसले को हल किया जाए और ये मसला हल करने की ताकत हमारे में है। इसके लिए अच्छे कानून भी बनाए गए हैं, हमारे जनतंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, हमारी न्यायपालिका भी बहुत काबिल है। तो मैं समझता हूँ इन सभी चीजों से हम उसमें राह निकल पाएंगे। सबको मेरी विनती है कि हमारे देश की तरक्की में ही सबका हित जुड़ा हुआ है, तो देश की तरक्की करते रहेंगे तो ये सभी समस्या हल हो जाएगी। आखिर में मंत्री जी ये बताएं कि इसके बाद, दावोस के बाद, अब मेक इन इंडिया स्टोरी के लिए क्या है, क्योंकि एक तरीके से इनॉग्रल प्लेनरी में आना, इतने सारे स्टॉल लगाना, तमाम सीईओ से बातचीत करना, आप एक पीक पे ले गए, क्लाइमैक्स पे ले गए, इसके बाद ये कहानी कहाँ जाती है? अभी हम लोगों ने आज, मैंने कम से कम 30-40 ग्लोबल सीईओ से बातचीत की, सबको हमने हमारी इन्वेस्ट इंडिया की जो टीम है उनके साथ में जोड़ दिया है। एक एक इन्वेस्टर के साथ दो दो लोगों की एक टीम जोड़ दी गई है और उनके साथ में काम करेंगे। उनको जो भी कठिनाइयां आएगी, जो भी उनके समस्या होगी वो हल करने के लिए उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। कोई पॉलिसी इश्यूज रहेंगे तो हमारे सेक्रेटरी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी यहां पर मौजूद है, वो भी उन्होंने उनका स्वागत किया है और कहा है कि आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे आके मिलिए। तो मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया ये हकीकत है, उसको आगे ले जाने के लिए हम जोर से काम करेंगे। हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी लगातार सुधार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले साल में 30 से सुधारना हुई, अगले सालों में भी उसको और लगातार सुधार करते रहेंगे ताकि लोगों को निवेश करने के बाद कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये हमारी एक प्राथमिकता है, उसके ऊपर हम बल दे रहे हैं। चलिए सुरेश बाबू जी, मैं घड़ी देख रहा हूँ और आपकी अगली मीटिंग का वक्त हो रहा है, लगातार दिन भर आपकी मीटिंग लगी हुई, तो मैं आपको रोकता नहीं, आप जुड़े हमारे साथ आज तक पे, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आज तक भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो भी उन्होंने भी अच्छी कारोबार करके काम, लोग ये इंडिया स्टोरी आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक आपकी फोटो।